अस्सलामुअलैकुम गाइस, टेक टीचर चैनल में सर जैद आपको खुश आमदीद करते हैं। इस उम्मीद से कि आप सब अपने घरों में खैरियत होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोगों की एक बेहतरीन प्लेलिस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें मैं तकरीबन 4 से 5 सीरीज आपको कितने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में इंट्रो दे रहा था, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, उनकी क्या कहते हैं सालाना क्या कहते हैं रेवेन्यू के बारे में, उनकी इनकम बर्थ के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था। क्योंकि हमारे बच्चों की, हमारे व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि सर हम लोग इस पर काम तो स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें इनके बारे में 2-3 लाइनें भी नहीं पता कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इनके फाउंडर्स कौन से हैं, इनके को फाउंडर कौन से हैं, और इन कंपनी का नाम जो वजूद में आया है वो किसको देख कर आया, मतलब ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि मैंने एक आइडिया लगाया कि यार हमारा जो चैनल्स है इसमें हम लोग बच्चों को जब टीच कर रहे होते हैं तो क्यों ना हम लोग जिन कंपनीज पर काम कर रहे हैं, जिन कंपनीज से हम लोग पैसा अर्न कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें क्यों कुछ ना पता हो, ठीक है ना। वो चीज़ हम कितने सालों से यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनके मतलब उस कंपनी ने किस तरीके से रेवोल्यूशन कर करके कहाँ से स्टार्ट लिया और अब वो कहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इस बेस को सोच रख के इस वजह से मैंने ये प्लेलिस्ट क्रिएट करी। आज ये इसकी 6 सीरीज होगी, जिसके अंदर मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सब जानते हैं उस कंपनी को, और उसको एज अ मोबाइल कंपनी के तौर पर लोग हम लोग जानते हैं, और उस कंपनी का नाम आपको पता चल गया होगा, उस कंपनी का नाम है सैमसंग, ठीक है ना। सैमसंग कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, असल में इस कंपनी का नाम है सैमसंग ग्रुप इनकॉर्पोरेशन कंपनी इसका नाम है, और असल में ये कोरियन कंपनी है, ठीक है ना, मल्टीनेशनल कोरियन कंपनी है, और ये जिस क्या कहते हैं शहर से या जिस सिटी से या फिर जिस कंट्री से बिलोंग करती है वो साउथ कोरियन कंट्री है, ठीक है। और इनके जो सिटी का नाम है ये सियोल सिटी है, और जिस टाउन से, जिस इलाके से ये कंपनी बिलोंग करती है ये इसी कंपनी के नाम पे, जैसे सैमसंग टाउन, मतलब इनका टाउन हो गया सैमसंग टाउन, इनका कंट्री हो गया साउथ कोरिया, और इनकी जो सिटी है, स्टेट है, वो है सियोल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात की जाए कि इस मतलब इस कंपनी का फाउंडर कौन है, इसको किस तरीके ने, किस बंदे ने, किस इंसान ने इसको क्या कहते हैं लीड किया और इसका आइडिया लगाया, तो उस बंदे का नाम है ली ब्योंग चोल, ठीक है ना। ये वो इंसान है जिसने इस कंपनी को एज अ ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट किया था, ठीक है ना। ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट किया था 1938 में, इस कंपनी का वजूद आ गया, मतलब पाकिस्तान बनने से काफी पहले की ये बात है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको किसी को नहीं पता होगा, आप तो ये जानते हो कि ये सैमसंग कंपनी मोबाइल कंपनी है, लेकिन अगर आप इसकी स्टार्ट की जर्नी देखो तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी से स्टार्ट हुई थी, फिर तकरीबन 1938 के 3 डिकेड्स के बाद, मतलब तकरीबन 30 साल के बाद इस कंपनी को डाइवर्स कर दिया गया, डाइवर्सिफाइड कर दिया गया 3 चीजों में। कौन सी 3 चीजों में? फूड प्रोसेसिंग कंपनी में, टेक्सटाइल में, इंश्योरेंस और रिटेल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, किसको? ट्रेडिंग कंपनी को, जो 1988 में स्टार्ट हुई थी। अच्छा, अब ये करने के बाद लेट 70s में, मतलब 1970s के अंदर इस कंपनी को फिर कन्वर्ट कर दिया गया 5 ग्रुप्स के अंदर। अब आप अंदाजा लगा लें इसकी रेवोल्यूशन किस तरीके से हुई है। 1938 के अंदर ये ट्रेडिंग से कन्वर्ट हो गए, फिर ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी में चले गए, इंश्योरेंस कंपनी में चले गए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं देखा जाए तो इसको 5 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ग्रुप कौन कौन से? सैमसंग ग्रुप, जिसपे हम लोग अभी हम लोग मोबाइल वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, जिससे हमें मोबाइल मिलते हैं। फिर ये कंपनी चेंज हो गई 5 ग्रुप के अंदर, दूसरा ग्रुप था सीजे ग्रुप, तीसरा ग्रुप था हैंसुल ग्रुप, चौथा ग्रुप था जोंगगेंग ग्रुप, और 5वां ग्रुप था शिनसिएगाई ग्रुप। ये वो 5 ग्रुप हैं जो रेवोल्यूशन करके ट्रेडिंग कंपनी से इस ग्रुप में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए तो मैंने इसके फाउंडर का नाम आपको बता दिया। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए, इनके सीईओ की बात की जाए, तो जो अभी भी लीड कर रहे हैं वो है जोंग ही हैन, इसके क्या कहते हैं अभी सीईओ हैं और कह सकते हैं डायरेक्टर भी हैं। और अगर इसके वॉइस डायरेक्टर की बात की जाए तो वो हैं जो किम, ठीक है, ये इनके वॉइस डायरेक्टर हैं। और अगर बात की जाए इनके प्रेसिडेंट कौन है अभी, मतलब प्रेसिडेंट के अंदर कौन से प्रेसिडेंट हैं इनके, तो वो हैं जुन संग किम, ये वो हैं। अच्छा, ये नाम जाहिर सी बात है सारे कोरियन नाम है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहे होंगे। मैं इनके नीचे भी नाम डाल दूंगा, उनकी पिक्चर्स भी लगा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है ये सैमसंग कंपनी के बारे में सुन के आपको काफी हैरानी भी हुई होगी, क्योंकि ये कंपनी काम कर रही है मोबाइल फोन्स का, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी ये सुन के आपको हैरानी हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी सीरीज में, मल्टीनेशनल कंपनी की सीरीज में, नई सीरीज में मिलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये चीज़ आपको पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।